एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जाने वाली हूँ अटलांटिस द पाम, और मतलब पूरा आइलैंड है वो पूरा ऐसा पाम ट्री जैसे रहता है ना, वहाँ पे ऐसे ऐसे उसके जो ट्री के रहते हैं ना लीव्स वगैरह, वो पाम ट्री जैसा पूरा वो आइलैंड है। मैं आज फर्स्ट टाइम मतलब मेट्रो से मतलब बस से जाने वाली। अरे कहना क्या चाहते हो? बस एंड वहाँ पे मोनोरेल है, तो मैं मोनोरेल से जाने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मोनोरेल से ट्रैवल करने वाली हूँ। यहाँ से बस से जाना पड़ेगा मुझे पहले, क्योंकि डायरेक्ट कुछ है नहीं, मेट्रो से भी रूट नहीं दिखा रहा है मुझे, तो फिर यहाँ से मुझे बस से जाना पड़ेगा। बस से फिर वहाँ पे मोनोरेल का स्टेशन है, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कैसा है। तो स्टार्टिंग से बताते जाऊँ मैं कैसे जा रही हूँ और मतलब कैसा होता है यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह और ट्रैवलिंग कैसे होता है। तो मैं जाऊँगी बस से सेम, एंड फिर बाद में वहाँ से मोनोरेल स्टेशन के उतरूँगी बस से, फिर मोनोरेल से वहाँ पे जाने के लिए आप प्लान कर रहे हो तो फिर आपको भी हेल्प हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो मुझे यहाँ से अभी जाना है गुबेबा स्टेशन, और वहाँ से एक पकड़नी है बस, और वहाँ से भी जाना है मोनोरेल से। तो देखते हैं कैसा होता है ट्रैवल। अब देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है ये, यहाँ पे सारे मतलब ये मेरा यहाँ पे मेरी आने वाली है बस 8 नंबर। तो बहुत सारे बस यहाँ से निकलते हैं, तो मैं यहाँ से जाऊँगी अभी जो मेरा मोनोरेल का वो स्टेशन है ना वहाँ। तो मैं मेरे करामा लोकेशन से यहाँ तक गुबेबा आई हूँ, बस से आई थी, फिर यहाँ से मुझे 8 नंबर पकड़नी है बस मोनोरेल के लिए, पाम जो मेरा मोनोरेल मेट्रो स्टेशन के लिए। सो अभी हम यहाँ से, हमारा ये बस स्टॉप है, यहाँ पे बस 8 नंबर बस आने वाली है। यहाँ से मतलब गुबेबा से इब्न बतूता, पर हमें यहाँ पे नहीं जाना है, हमें पाम जुमेरा मोनोरेल स्टेशन पे जाना है। सो उसके लिए 35 स्टॉप्स है बीच में, बट आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। आई थिंक 35 मिनट, 1 आवर एंड 50 मिनट्स लगेगा, देखते कितना टाइम लगता है। मोनोरेल अपोजिट जो लिखा रहा है, बट आई डोंट नो, यहाँ पे तो लिखा था कि मोनोरेल एंड ट्रैम। बस से 1.5 घंटा लगा करेक्ट अभी यहाँ से मोनोरेल जाने के लिए, तो लेट हो गया बहुत, क्योंकि कैप्चर करा था डे का व्यू, बट पता नहीं अभी क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलती यहाँ पे ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं, और यहाँ पे उन्हें पूरा दिया है कितना मतलब पैसा उतना है। अलीतियात भाग जाना है तो 10 दिरहम में सिंगल ट्रिप, और रिटर्न राउंड 15 दिरहम में नखिल मॉल स्टेशन 10:15। सो मुझे जाना है अटलांटिस एडवेंचर स्टेशन, पर राउंड ट्रिप 30 है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं डे पास ही ले लेती हूँ, बेटर रहेगा ना, अनलिमिटेड हम एग्जिट एंट्री कर सकते हैं। मैं पॉइंट ही उतर के मैं फाउंटेन शो भी देख सकती हूँ, सो मैं ये वाले लेने वाले 35 वाला, देखते कैसा रहता है ये मोनोरेल का एक्सपीरियंस। मैंने पास ले लिया है डी पास 35 दिरहम वाला, ये वाला पास मैंने ले लिया है, मतलब मैं एंट्री एग्जिट कितना टाइम भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 30 का था वो नॉर्मल मतलब जाके आने का, तो फिर मैंने सोचा कि 5 दिरहम एक्स्ट्रा डालती हूँ, फिर मेरा मतलब अनलिमिटेड होगा ना मेरा एंट्री एंड एग्जिट। सो मैंने बेटर ये वाला पास ले लिया डे पास वाला, फुल 35 दिरहम का है ये। सो देखते अभी कैसे जा रही है, अभी मैं जा रही हूँ मोनोरेल में, क्योंकि टाइम हो रहा है, सनसेट होने वाला है ऑलरेडी, मैं लेट हो चुका हूँ, देखते वैसे। मैं दिखाऊंगी तो। सो अब हम यहाँ पे है, ये वाला हमारा यहाँ पे, हमें जाना है वहाँ पे, ये अटलांटिस होटल है, बंद अच्छा सिनारियो है।
स्टेशन जैसा ही लग रहा है, बट थोड़ा अलग है। बस आहे वाटतं पूर्ण दुबई फिरायसाठी, बघ सिटी साईट सीन दुबई, लाईक मुंबई दर्शन आपले असताना तसं इकडे आहे दुबई दर्शन। दुबई दर्शन केली ये बस आहे, यहाँ पे वाईफाई वगैरह फ्री है बस में, पूरा दिखाएंगे आई थिंक। तो ये लोग जो दिया है मतलब डार्क किया है वो दुबई वाटर कैनल, सोक मदीना जुमेरा, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन, ये सारे प्लेसेस ये दिखाएंगे आई थिंक बस से। ये लोग हॉप ऑन हॉप ऑफ, ये सारे प्लेस दिखाएंगे ये लोग। वी शो यू दुबई। मैं आ गई हूँ, समुद्र का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पर तो वो जो बीच में जो पानी का था, समुद्र से जा रहे थे हम लोग, वहाँ पे होटल था वो साइड में, वो भी बहुत ही नाइस था, बहुत अच्छा लगा। बहुत ये साइड हम लोग आए हैं, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एडवेंचर वाटर पार्क है, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा वाटर पार्क है वो, और ये साइड में होटल वगैरह है और मॉल जैसा लग रहा है ये पीछे मेरा, यहाँ से मैंने एंट्री कर ली है। थोड़ा देखती हूँ यहाँ पे क्या है फिर। नहीं था यहाँ पे, आई थिंक वाटर पार्क ही इनफ है यहाँ पे देखने के लिए, और वो होटल है। फिर वहाँ पे मैंने गई, अंदर गई थी, मॉल जैसा कुछ तो था। फिर अभी मैं रिटर्न जा रही हूँ, तो पॉइंट ही वहाँ पे है ना, वहाँ पे फाउंटेन शो वगैरह होता है वो देखेंगे। चले एक काम कर, 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से कितना अच्छे से दिख रहा है ये होटल, तो मुझे बेटर लग रहा है कि आप यहाँ तक ही आओ, पॉइंटी तक। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है एडवेंचर में, अटलांटिस एडवेंचर जो मेट्रो स्टेशन है, इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं वहाँ जाके। अगर आपको वाटर पार्क जाना है तो ही मतलब वहाँ पर है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर पॉइंटी में उतर के भी आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंटी में उतर के आपको फाउंडेशन भी मिलेगा और यहाँ से अच्छे से व्यू भी मिलेगा आपको अटलांटिस होटल का। आ चुकी हूँ मैं हाफ एन आवर बाद, और यहाँ पे फाउंटेन शो होता है, और यहाँ पे यहाँ से अच्छा सा व्यू दिखता है होटल का भी, और यहाँ से मोनोरेल जाती है। सो ये होटल है, एंड ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये मेरे जीजू की साइट है, अच्छी है ये भी ना, इसका कंस्ट्रक्शन अच्छा है।
5 मिनट पहले शो हो चुका है फाउंटेन, मुझे अभी 25 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ेगा। ये दिख रहे बोट्स वगैरह भी, हम लोग बोट राइड भी कर सकते हैं जब फाउंटेन शो स्टार्ट होता है, सब लोग बोट में बैठ के यहाँ पे फाउंटेन शो भी देख सकते हैं, बट बोट में एक अलग मज़ा है, लोग देखते हैं यहाँ पे आके। फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है, वन स्टार्ट। फाउंडेशन सब देख के हो गया है मेरा, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, फाउंडेशन बहुत अच्छा था और मोनोरेल भी बहुत मतलब अच्छा है, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो मोनोरेल। अच्छा था, थोड़ा दूर था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ट्रैवलिंग के लिए, बट इतना नहीं, अगर कार होती है तो मतलब इजी पड़ता है। हर टाइम मेरे दीदी के साथ कार में जाती थी, पर दिस टाइम मैंने बस से वगैरह ट्राई किया और मेनली मुझे मोनो से जाना था मोनोरेल, तो मेरा मोनोरेल का एक था, अच्छा था मोनोरेल का एक्सपीरियंस, अच्छा था। ओनली वहाँ पे 35 दिरहम गया और नॉर्मली यहाँ पे हमारा जो बस में जाता है वही 5 दिरहम है, वहाँ से आते गए 5 दिरहम, तो 10 दिरहम में मेरा ट्रैवल हो गया, फिर वहाँ से 35 ओनली दिरहम मोनोरेल के लिए गया। अदरवाइज मतलब अच्छा था, प्लेस बहुत अच्छा था, फाउंटेन देख लिया, मोनोरेल एक्सपीरियंस कर लिया, अच्छा था एक्सपीरियंस। अगर आपको भी देख लिया प्लेस हो तो ज़रूर जाना फैमिली के साथ, बहुत अच्छी प्लेस है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।